टीम आयट उतरते साथ ही टीम सीन के साथ फाइट लेते दिखाई दे, क्रिप्टो ही गेट्स डाउन दो, इंकी का फायर रहता है उतरते साथ ही एक प्लेयर यहाँ पे नॉक हो जाता है, जॉनी वो आगे बढ़ रहे हैं उनको, ओके इनको भी यहाँ पे डैमेज दिया जाता है, जॉनी ही में गेट डाउन दो, इंकी वो आगे जा रहे हैं, वो यहाँ पे नॉक निकालना चाहते हैं, शॉर्ट गन इनके हाथ में रहने वाली है, जॉनी वो अंदर मौजूद है, जॉनी वो मूवमेंट दिखाते हैं, वो आगे जा रहे हैं, क्रिप्टो द बॉय फ्रॉम टीम आयट वो ऑलरेडी यहाँ पे नॉक है, उनको रेफ दिया जा रहा है, इनकी यहाँ पे प्रीफाई कर रहे हैं, रिव्यूज अंदर की जाने मौजूद हैं, लेट्स सी दो क्या यहाँ पे जो है प्लेयर्स अपने को बचा सकते हैं, बट नो लुक एट दैट रिव्यूज के प्लेयर जाने कोशिश करते हैं, बट बंकी येट्स आउट द रिव्यूज टेक्स अनदर वन डाउन दो आई येट रिव्यूज यहाँ पर जब बैक टू बैक नॉक्स निकालते दिखाई दे, क्रिप्टो वो यहाँ पे इनकी को जो मैच से एलिमिनेट करेंगे, बट रिव्यूज सिनर को भी यहाँ पर जब हम इस मैच से एलिमिनेट करते हुए दिखाई देंगे, सो टीम आई येट डोंट रश ऑन देम, I8 यहां पर जो है वो तीन किल लेके जाते हुए रिव्यूज विद द 1v3 दो एंड उज़म आखिरी किल जो है बहुत आसानी पिक करेंगे, और इसी के साथ टीम I8 इस मैच की बेहतरीन शुरुआत जो है हमें करते हुए दिखाई देगी। ग्रेनेड जाता हुआ मीनवाइल 420 वॉय को किल कंफर्म भी किया जा चुका है, सो क्लैरिटी यहां पर एक बार लूज करती हुई, लेकिन मुश्किल बनती हुई, लेकिन मोलोटोव स्पैम किया जाएगा, ये मोलोटोव आई8 के इज़राइल मौजूद रहते हैं, टीम आई8 को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं पैरा के दो प्लेयर्स स्टेल्थ मोड के अंदर जाते नजर आ रहे हैं, उज़म अंदर की तरफ जा रहे हैं, उज़म अंदर की तरफ जा रहे, स्पॉट डाउन किया जाता है उज़म की तरफ से, पता चल जाता है उज़म को कि अब नहीं बचूंगा मैं, उनको पता चल गया था कि वो मौत का फरिश्ता जो है ना वो इधर ही है, बिल्कुल अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ये वहां पर जो है ये चीज हो चुकी थी उज़म के साथ, लेकिन टीम क्रिप्टो आईएट के बाकी प्लेयर्स वो आगे बढ़े, क्रिप्टो आगे आ रहे हैं, वो रिव्यूज की बात की जाए उनको भी डैमेज दिया जा चुका है, जॉनी वो एबल वन एचपी किए जाएंगे, हजर उनकी साइड से भी जरूर यहाँ पर नेट जो है वो पिन किया जाएगा, क्रिप्टो यहाँ पर नेट पिन करते हुए दिखाई देते हैं, क्रिप्टो का नेट जा सकता है, उनका ही नेट जाता है, बाउंस बैक कर जाता है, फिर से नेट के लिए जाएंगे, मोलोटोव भी वहां पर की जाएगी, हजर उनको क्या इनिडिट कर गया, क्रिप्टो उनके पास एक वाइड एंगल के पास एंगल है वो इनिडिट करेंगे, लेकिन डैमेज कम पड़ेगा, लेकिन जॉनी वो बैक से फायर देंगे, हजर ही फाइनली गेट्स डाउन, टीम आई8 यहां पर जब वो बिल आखिर नॉक निकालने में हमें यहां पर कामयाब होते हुए दिखाई देगा, इसी के साथ टीम जो है वो किल भी अपने लिए यहां पर जरूर लेके जाएगी, बट टीम पैराडॉक्स से पैरा इज़राइल लेट्स सी अकेले प्लेयर हैं क्या वो अकेले रहते रहते यहाँ पर कुछ हमें जब अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, बिकॉज एट टाइम अकेला जो प्लेयर है वो अकेला होने की वजह से बिला खौफ खतर जब खेलता है तो बाकी टीम को काफ़ी नुकसान जब पहुँचा जाता है, सो लेट्स वेट एंड वॉच, क्रिप्टो वो आगे जा रहे हैं, रिव्यूज वो आगे जा रहे हैं, जॉनी आगे जा रहे हैं, तीनों प्लेयर्स ने डिसाइड करके मिलकर आगे जाना, इज़राइल वो ऊपर वेट कर रहे हैं, तीनों प्लेयर्स ऊपर जाने वाले हैं, कौन आगे बढ़ेगा कौन ऊपर जाएगा, पहले रिव्यूज बाहर आते हैं वो नेट निकालते हैं, क्रिप्टो स्पीक कर रहे हैं, जॉनी वो बैक पर रहते हैं, लेट्स आई थिंक जॉनी पहले जाएंगे, बट अरे जबरदस्त व्हाट जस्ट हैपेंड आउट देयर, वहां पर जब गैस्कन ही आई थिंक ब्लास्ट कर रहे हैं, मैच से एलिमिनेट कर दिया प्लेयर को, गैस्कन फटता है प्लेयर मैच से एलिमिनेट, और टीम आई8 जब इस फाइट को हमें पर्टिकुलरली विन करते हुए दिखाई देती है इस मोड के ऊपर, लेकिन टीम ज़ूस को काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज यूल के एलिमिनेशन के बाद दे आर डाउन टू 3 मैन स्टैंडिंग, और टीम आई8 का स्क्वाड भी 3 मैन स्टैंडिंग नजर आ रहा है, लेकिन डी रेटेड सर की किस्मत बहुत ज्यादा उनको उनका साथ देती हुई नजर आ रही है, लेकिन नेड आएगा परफेक्टली कुक नेड बाय द साइड ऑफ रिव्यूज, और नेड एलिमिनेट करके लेकर जाता है, और रेटेड सर गेट्स एलिमिनेटेड, डेड एज गाइस गेट्स एलिमिनेटेड, लेकिन 3v3 सिचुएशन, क्रिप्टो को टेक डाउन किया जाता है, टीम ज़ूस का स्क्वाड सामने की तरफ मौजूद रहने वाले, रिव्यूज यहां पर मौजूद रहते हैं, रिवाइवल का प्रोसेस किसी भी टाइम इनिशियलाइज किया जा सकता है, जॉनी को मेरी उम्मीद है, जॉनी के ऊपर उम्मीद है, जॉनी के ऊपर उम्मीद है, बिकॉज़ जॉनी बैक एंगल के ऊपर मौजूद रहने वाले, ही कैन बैक स्टैब इजीली, आईएट के जॉनी सामने की तरफ मौजूद रहने, द फाइनल टू यहां पर आ चुके, लेकिन ज़ूस के एबली को टेक डाउन किया जाता है, नहीं किया जाएगा, थोड़ा बहुत एचपी लो उनकी जरूर की जाएगी, लेकिन जॉनी के ऊपर क्रॉस हेड सेट हो चुके, जस्ट लुक एट द स्प्लिट ऑफ टीम ज़ूस, कितने मजेदार स्प्लिट के साथ दोनों स्क्वाड्स एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आईएट के जॉनी यहां पर टेक डाउन करते तो बहुत ज्यादा फायदा जरूर होने वाला है, ज़ूस के एबली को टेक डाउन किया जा सकता है, जॉनी को बैक एंड से किसी भी हाल में वो नॉक निकालना है, जॉनी को बैक एंड से किसी भी हाल में वो नॉक निकाल है, जॉनी को खड़े होकर यहां पर स्पॉट डाउन जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज सामने की तरफ
वक्त बहुत ज्यादा कम है। आईसी अगर किसी भी टाइम यहाँ पर रशन करते क्रिप्टो इज लिटरली लो ऑन एचपी और रिवाइवल का प्रोसेस इनिशियलाइज जरूर किया जाएगा, लेकिन राइट हैंड से फ्लैंक अगर अडॉप्ट करते हुए जरूर जाएंगे। स्पॉट डाउन किया जाता है नॉक डाउन किया जाता है यहाँ पर जॉली की तरफ से। जॉली जो है वो बाकी यीज लगा है जो कि यहाँ पर बचा जरूर सकता है, लेकिन मॉलस पाम जरूर की जाएगी एब्ली के ऊपर। बाकी के दोनों प्लेयर्स नॉक डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। जूस के गॉडलेस इज लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर। जूस के गॉडलेस 1v1 सिचुएशन के अंदर आते हुए 2v1 सिचुएशन के अंदर आते हैं यहाँ पर टीम आईएट के जॉनी। जॉनी के ऊपर सारी जो उनके फैंस हैं यहाँ पर मौजूद है, व्यूअर्स मौजूद है, जूस के व्यूअर्स यहाँ पर जो मौजूद रहने वाले उनके भी दिल जो है वो धक धक करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जूस के एबली, लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर। जॉनी जो है वो खड़े जरूर होते हैं फॉर अ मोमेंट, लेकिन एबली के साइड से स्पॉट नहीं किया जाता, थैंक गॉड एबली को नहीं पता। लेकिन ये रिवाइवल एक लीप ऑफ फेथ लेकर जाते हुए रिवाइवल का प्रोसेस इनिशियलाइज किया जा सकता है यहाँ पर। लेकिन जूस के बाकी के दो प्लेयर्स झील डब हो चुके हैं और उनकी तरफ से एग्रेस किसी भी टाइम से उनकी साइड से किसी भी टाइम पर पोर्टल यहाँ पर एग्रेस किया जा सकता है। क्या होने वाला है यहाँ पर? बिल्कुल इसी चीज का इंतजार यहाँ पर रहने वाला है। जॉनी यहाँ पे लग रहा है कि उनको प्लेयर्स है वो किसी भी लम्हे इस मैच से जब वो एलिमिनेट कर सकते हैं, बट स्टिल जॉनी ही इज द 14 पाकिस्तान टू आईएट। जॉनी वो यहाँ पे एक नॉक निकालेंगे, एक प्लेयर को नॉक किया जाता है, आईसीवाई गेट्स डाउन टू जॉनी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, 1v2 इज स्टिल ऑन द रिव्यूज। वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, रेव नहीं दिया जाएगा उनको। जॉनी उनके टीममेट यहाँ पर जब मैच से बाहर होते हुए दिखाई देंगे, 1v2 भी बाकी यहाँ पे रहने वाले, अभी वो आगे बढ़ सकते हैं जॉनी, लेकिन उनकी नजर अपने गॉडलेस नो ऑन एचपी उनको डैमेज दे जाते हैं। लेट्स सी क्या है नीड है, क्या इनके पास तो नीड है, क्या इनके रैंडम शॉट्स में कनेक्ट करेंगे। लेकिन वहां पर रेफ दिया जा रहा है, यहां पर रेफ भी दिया जा रहा है, ये चीज खतरनाक होगी। 1v3 जॉनी के रेंडर करना डेफिनेटली वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। जॉनी बिल्कुल सामने मौजूद है, अवेले को आइडिया हो चुका है, वहां पर स्मोक्स इनिट्स किए जाएंगे, वहां पर वॉलेटॉप के स्पेन ओके यहां पर कर दिया जाता है, प्लेयर जरूर करने की कोशिश करेंगे। MG3 यहां पर निकाल लिया गॉडलेस ने, वो आगे बढ़ेंगे। जॉनी उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉनी क्या यहां पर 1v3 कर सकते हैं? I8 जॉनी द लास्ट मैन स्टैंडिंग टीम I8 द ज़ूस, उनके पास टीम प्लेयर्स स्टिल वो रश नहीं कर रहे हैं, स्टिल टीम जो है वो टाइम ले रही है, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम दो के आईसी वाइज वो भी खुद को हील अप करें, बिकॉज उनके पास यहां पर जो फर्स्ट एड नहीं थी। सर्कल 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 जो है वो काम अपना खराब जरूर कर चुका है, बिकॉज सर्कल जो है वो ज़ूस की साइड के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। जॉनी की साइड से एक भरपूर नेट जरूर स्पैम किया गया, ज़ूस के एबली बिल्कुल नेट के ऊपर जरूर थे, लेकिन ओह माय गॉड।